यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है सब कुछ। मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम से रिसर्च किया है, 2-3 दिनों से लगभग, 2-3 क्या 5 दिनों से लगभग मैंने रिसर्च किया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दोस्त और आप देख रहे हैं ऐसे कैट मुझे। और जैसा कि आपके तरफ से रिक्वेस्ट आ रहा था कि भैया लैपटॉप रिकमेंडेशन वाला वीडियो बनाइए, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप के बारे में। आपको मैं रिकमेंड करने वाला हूँ कि कैसे आपको लैपटॉप लेना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से लैपटॉप आपको ध्यान देना चाहिए लेते टाइम, ताकि आपका पढ़ाई, प्रोग्रामिंग या फिर एडिटिंग वेडिटिंग करना चाहते हैं आप तो, और गेमिंग करना चाहते हैं तो, सभी तरह के लैपटॉप के बारे में बात करूँगा, नॉर्मल और गेमिंग दोनों के बारे में बात करूँगा। क्योंकि आप कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं तो आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे, सिर्फ पढ़ाई नहीं करना है आपको, सिर्फ क्लास ही नहीं करना है आपको, सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही नहीं करना है आपको, प्रोग्रामिंग करना है, अपना बाकी एक्स्ट्रा काम करना है, कॉलेज का काम करना है, अपना कोर्स वगैरह करना है, एडिटिंग वरना वगैरह बहुत सारे बच्चे चाहते हैं करना, तो वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं आप। फिर गेमिंग का फोकस करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग दो तरह के लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं, एक नॉर्मल और एक गेमिंग, ठीक है। तो दोनों के बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बना रहा हूँ इसमें, और ये वीडियो देखने के बाद आपको डाउट क्लियर हो जाएगा किन किन बातों का ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि क्या क्या हमारा वीडियो का प्लान रहेगा, कैसे कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल लैपटॉप के बारे में बताऊंगा, ठीक। आपको उसके बाद बताऊंगा आपको गेमिंग लैपटॉप के बारे में, उसके बाद मेरे पास 3-4 लैपटॉप्स हैं, वो आपको दिखाऊंगा उसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कौन से है, ठीक है। सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, जो कि मेरा लैपटॉप भी है और मेरे फ्रेंड्स का भी लैपटॉप है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और सबसे पहली बात, मैं यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर करता हूँ कि नॉर्मल लैपटॉप में जो बताने वाला हूँ मैं, वहाँ पे कोई एक ब्रांड, कोई एक मॉडल का नाम नहीं लेने वाला हूँ कि आपको ये मॉडल ये ब्रांड ही लेना है। मैं आपको स्पेसिफिकेशन बताऊँगा कि आपको लैपटॉप लेने टाइम कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से स्पेसिफिकेशन लेना चाहिए, ताकि आपको कोई आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम ना आए पढ़ाई के टाइम, कॉलेज के टाइम, ठीक है। एटलीस्ट 4 साल पर कोई प्रॉब्लम आए उसके बाद आप अपग्रेड कर सके, समझ में आया। तो हमारा ये होने वाला, और गेमिंग लैपटॉप का जब बात करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि कौन से ब्रांड का लेना चाहिए, कौन से मॉडल का लेना चाहिए, ठीक है, वो मैं बताऊंगा और आपको गेमिंग लैपटॉप्स भी दिखाऊंगा, समझ में आया। तो इस वीडियो को अभी से लेकर लास्ट तक एकदम देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल लैपटॉप के बारे में। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले इनके स्पेसिफिकेशंस का आपको ध्यान देना है लैपटॉप लेते टाइम। ये जो है आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक पेपर और पेन ले लो, उससे नोट कर लो। अगर नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, आप ध्यान से सुन लो, ठीक है, बट ध्यान से सुनो, समझ में। देखिए, सबसे पहले हम नॉर्मल लैपटॉप के बारे में बात करें तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, देखिए मैं इस पर बहुत दिनों से रिसर्च कर रहा था, मैं और मेरे फ्रेंड्स के साथ मिलकर, ठीक है। तो इसीलिए मुझे इस वीडियो को लाने में टाइम लगा, तो फाइनली आज आपको ये वीडियो मिल रहा है। सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि SSD, ये मेरा जो है ये मेरा रिकमेंडेशन है कि मैंने जहाँ तक अभी तक जो भी यहाँ पे नोटिस किया है, जो भी अभी जो चल रहा है, जिस हिसाब से आपको हेल्प करेगा, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आई नो व्हाट इज़ बेटर व्हाट इज़ नॉट, ठीक है। सो यहाँ से इसलिए मैं ये रिकमेंड कर रहा हूँ, बाकी आपको दूसरे लोग दूसरे रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान देना है कि SSD आपको होना चाहिए लैपटॉप, ठीक है। इससे क्या होता है, आपको लैपटॉप स्पीड होता है, जब आप खोलते हैं तो बूटिंग स्पीड जो होता है वो फास्ट होता है, जल्दी से खुल जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। जब आप क्लास में रहेंगे, क्लास में लैपटॉप लेके जाएंगे तो बाकी सारे बच्चों का खुल जाएगा जिनका SSD होगा। आपका SSD अगर होगा तो आपका लैपटॉप खुल रहा होगा, वो लोग खोल के प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देंगे, समझ में आया। या फिर कहीं भी आपका लैपटॉप जल्दी से नहीं खुल पाएगा। सबसे पहली बात तो SSD का ध्यान देना है। दूसरी कि आप SSD ले लें, ठीक है। पहली बात आप SSD रख लें। अब SSD के साथ आपको एक वेरिएंट ये भी आता है कि SSD के साथ साथ HDD भी आता है, ठीक है, SSD प्लस HDD हमारे यहाँ। तो ये आप ये दोनों वेरिएंट में से कोई ले सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पे मना करूँगा कि आप सिर्फ SSD वाला लैपटॉप मत लेना, ठीक है। बिकॉज अगर आप ले लेते हो एक बार तो आपको वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है, वो आपको बाद में समझेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, मेरे फ्रेंड्स के पास भी है SSD वाला लैपटॉप जो कि मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ SSD होना चाहिए। SSD के साथ साथ आपका HDD भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ। उसके बाद आपको रैम का ध्यान देना है, ठीक है। रैम आपको कितना भी हो सकता है, बट मिनिमम आपको होना चाहिए 8GB मिनिमम रैम आपके पास होना चाहिए आपका लैपटॉप में, जो भी आप लैपटॉप ले रहे हैं नॉर्मल रेंज का, नॉर्मल मतलब गेमिंग लैपटॉप के अलावा जो भी लैपटॉप आप ले रहे हैं उसमें आपको नॉर्मल रैम जो है वो आपको 8GB होना चाहिए मिनिमम। उसके बाद आप जितना रैम का आप प्रेफर करना चाहते हैं वो ले सकते हैं आप, समझ में आया। उसके बाद आपको जो है इसका और भी वेरिएंट आता है, जैसे 16GB का हो गया, 32GB का हो गया, तो वो आप जो भी आप वेरिएंट लेना चाहते हैं ले सकते हैं, बट मिनिमम आपको होना चाहिए रैम 8GB, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर मैं आपको दो ही प्रोसेसर का रिकमेंड करूंगा। सबसे पहले तो AMD, मैंने AMD का यूज़ किया है और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, तो मैं ये नोटिस किया हूँ, बच्चों से मैंने पूछा है, मैंने दोस्तों से भी पूछा है, AMD जो है राइजन जो है आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। और मैंने भी ये नोटिस किया है कि एक्सपीरियंस किया है कि AMD राइजन मुझे बहुत अच्छा लगा, समझ में। तो आप AMD राइजन मैं आपको सबसे पहले रिकमेंड करूंगा। उसके बाद आप इंटेल प्रोसेसर भी ले सकते हैं, इंटेल कोर, ठीक है, तो इंटेल का भी आप प्रेफर कर सकते हैं, समझ में। तो यहाँ पे दो प्रोसेसर ले सकते हैं, AMD का या फिर इंटेल का। AMD मतलब जैसा राइजन आप बोलते हैं, इंटेल यानी कि i5 i7 i3 ऐसा आता ना, वो वाला, समझ में।
उसके बाद अब बात करते हैं हम कुछ कुछ ब्रांड के बारे में, किन किन ब्रांड का आपको लैपटॉप लेना चाहिए जो कि आजकल अच्छा है ब्रांड, वो मतलब अच्छा लैपटॉप दे रहा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छा दे रहा है, अच्छा दिन चलता है, लंबा टाइम चलता है, समझा। सबसे पहले लैपटॉप मैं बोलूँगा सबसे अच्छा ब्रांड मेरे हिसाब से, ये देखिए मेरा ओपिनियन है, मेरे हिसाब से डेल का लैपटॉप मेरे हिसाब से अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। उसके बाद मैं आपको रिकमेंड करूँगा लेनोवो का, ठीक है। लेनोवो के बाद बोलूँगा मैं आपको आसूस का, फिर एचपी, ठीक है। आप आसूस और एचपी को इधर उधर कर सकते हैं, मतलब आसूस को पहले एचपी रख सकते हैं, वरना फिर आसूस को एचपी के बाद भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे पहले डेल, लेनोवो, आसूस, एचपी, देन आपको आ जाता है फिर आपको गेमिंग लैपटॉप, ठीक है। नॉर्मल लैपटॉप आपको हो गया। अब गेमिंग लैपटॉप के बारे में बात करें तो भाई गेमिंग में आप सबसे पहले तो आसूस का सबसे बेस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद एमएसआई का आता है, फिर आपको एचपी का आता है, और एक आता है एसर का। इसमें लेनोवो लेनोवो का आप प्रेफर मत करें, लेनोवो डेल का गेमिंग लैपटॉप अच्छा नहीं आता, ठीक है। तो नॉर्मल एंड लैपटॉप में आपको आसूस का हो गया, ठीक है। सबसे पहले तो डेल का हो गया, फिर लेनोवो, फिर आसूस, फिर एचपी, फिर आपको गेमिंग के बारे में बात करें तो उसमें आसूस का सबसे बेस्ट, फिर एमएसआई, फिर आपको हो गया एचपी का, फिर एसर का। तो ये सबसे बेस्ट होते हैं नॉर्मल और गेमिंग लैपटॉप के ब्रांड्स, ठीक है, मेरे हिसाब से। तो बस यही सब चीज़ों का ध्यान देना है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मैं बता रहा हूँ, जितने भी मैं लैपटॉप बता रहा हूँ, जो भी स्पेसिफिकेशन बता रहा हूँ, जो भी ब्रांड बता रहा हूँ, ये हमारा टारगेट है 40,000 से लेकर 1 लाख तक आपका बजट हो, जिसमें आपको गेमिंग लैपटॉप भी आता है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल एंड लैपटॉप ले रहे हैं तो वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 60,000 तक बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट आपको लैपटॉप मिल जाएगा, ठीक है। 1 लाख कौन जाएगा, 1 लाख वही जो हाई एंड गेमिंग लैपटॉप लेते हैं, जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे आगे, वो सब वही 1 लाख जाते हैं, ठीक है। बस बाकी ऐसे नॉर्मली आप 60,000-50,000 का बजट लेके चलते हैं, बहुत अच्छा से अच्छा लैपटॉप आपको नॉर्मल एंड में आ जाएगा, समझ में आया। तो यही सारे कुछ आपको ध्यान देना है नॉर्मल लैपटॉप में, नॉर्मल एंड लैपटॉप में। अब बात करते हैं हम लोग गेमिंग लैपटॉप के बारे में। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया था कि गेमिंग लैपटॉप में आपको रिकमेंडेशन दूंगा कौन कौन से मॉडल, कौन कौन से ब्रांड का आपको लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि एमएसआई का, ठीक है। एमएसआई का G65 लियोपार्ड आता है, जिसमें आपको i7 10th generation का प्रोसेसर मिलता है, 16GB का रैम आता है। NVIDIA का GeForce RTX 2060, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको 256GB SSD मिलता है, साथ में आपको 1TB SSD मिलता है, और साथ में आपको और भी बहुत सारे इसके बैकलाइट ये सब मिलते हैं, बहुत सारे इसमें फैन वैन है, बहुत अच्छा मतलब कूलिंग अच्छा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि मेरे फ्रेंड के पास है ये लैपटॉप, मैं आपको दिखाऊंगा, और मैंने उसका परफॉर्मेंस देखा है, बहुत अच्छा है, FPS वगैरह बहुत अच्छा आता है, ठीक है, एकदम स्मूथ चलता है गेम। तो ये आपको हो गया। इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे तो ये आपको आता है 1 लाख के करीब में, ठीक है। 1 लाख समथिंग आता है, बट अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख आप मान के चल सकते हैं। तो 1 लाख में आपको ये लैपटॉप आएगा MSI का लियोपार्ड, ठीक है। कौन सा, G65 लैपटॉप, ठीक है, G65 MSI का 1 लाख में आएगा लैपटॉप, ठीक है, लियोपार्ड। तो आपको फर्स्ट गेमिंग लैपटॉप। सेकंड का मैं आपको बताऊं तो सेकंड मैंने रखा है आसूस का ROG Strix G, ठीक है, जिसमें आपको AMD Ryzen 7 मिलता है, ठीक है। उसमें आपको 5K सीरीज है, ठीक, 5000 सीरीज है आपको उसका, जो कि सबसे बेस्ट सीरीज आता है राइजन का, वो है आपको उसमें दिया हुआ। 8GB रैम है उसमें, आपको 512GB SSD है, आपको ग्राफिक्स मिल जाता है NVIDIA का GeForce 1650, ठीक है। आपको फिर इसमें 4GB का ग्राफिक मिलता है, उसमें क्या था 6GB का ग्राफिक था, इसमें 4GB का ग्राफिक है, जो कि आपको इसका प्राइसिंग आता है 90,000 करीब में, ठीक है, 89,000 समथिंग आता है। तो आपको 90,000 मान के चल सकते हैं यहाँ पे आपको लगने वाला है। जैसा आप देख रहे हैं कि आपको गेमिंग लैपटॉप है जो बहुत महंगा महंगा आता है, तो मिनिमम आपको गेमिंग लैपटॉप ले रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 लाख का टारगेट लेकर चलना चाहिए, उसमें आपको बेस्ट से बेस्ट आपको लैपटॉप हो जाएगा। थर्ड नंबर का बढ़ते हैं, तो थर्ड नंबर मैंने रखा है गेमिंग लैपटॉप में एसर का प्रेडेटर हेलियोस 300 को, ठीक है। एसर प्रेडेटर हेलियोस 300 को, उसमें आपको i7 का 10th generation प्रोसेसर मिल जाता है, 16GB का रैम है, 256GB का SSD है, आपको 1TB SSD है, ग्राफिक्स मिल जाता है आपको NVIDIA का RTX 3060, जो कि 6GB का। तो ये भी बहुत अच्छा लैपटॉप है आपको, ठीक है। एसर का सबसे बेस्ट लैपटॉप जो आता है वो आपका आता है प्रेडेटर। इसका आपको प्राइस 1,16,000 के करीब में आपको पड़ जाएगा, ठीक है, 1,16,000 के करीब में आपको इसका प्राइस पड़ जाएगा, ठीक है। अब आगे मैंने चौथा रखा है, जो कि लास्ट में रखा हुआ है आपको एसर का ही Nitro 5, ठीक है। एसर का Nitro 5, जो कि आपको i5 आता है, इसका प्रोसेसर 10th 11th generation है, 512GB का SSD है, और 8GB का ग्राफिक्स है, वो आपका है NVIDIA का GTX 1650, जो कि आपका 4GB का ग्राफिक्स है। इसका प्राइस आपको 70,000, ठीक है, 70,000 है आपको। तो मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है सब कुछ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम से रिसर्च किया, पाँच दिनों से लगभग मैंने रिसर्च किया है, इसलिए मैं वीडियो डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमारा गेमिंग लैपटॉप हो गया, मैंने 4 रिकमेंडेशन दे दी, आपको स्क्रीन पर दिखाई होगा, वो आप रिकमेंड कर सकते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान देना है ये मैंने बता दिया नॉर्मल एंड में। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे पास कौन कौन से लैपटॉप्स हैं, उनके प्रोज और उनके कॉन्स क्या क्या है, समझ में आया। इन देखिए आपको मैंने नॉर्मल एंड के बारे में बताया है, उसका आपने आई होप आपने लिखा है, अगर नहीं लिखा है तो अच्छा सुना होगा,
आप लैपटॉप दुकान में जाएंगे या फिर ऑनलाइन लेंगे, तो सबसे पहले तो वो सब जो स्पेसिफिकेशन है वो सब चेक करना, ठीक है, कौन से ब्रांड में मिल रहा है। और जो मैंने ब्रांड बताए हैं अच्छे के, डेल, लेनोवो, आसूस, एचपी, ठीक है, ये सब में कौन से ब्रांड में कौन सा हमें मिल रहा है, तो सबसे पहले देखना डेल, ठीक है। अगर तुम्हारे बजट में है तो वो ले लेना, अगर वो बजट में नहीं है तो दूसरा लैपटॉप देखना, दूसरे ब्रांड का लैपटॉप देखना, ठीक है। बट सेम स्पेसिफिकेशन मिनिमम वो आपका, मैंने बताया कि वहाँ से आपका स्टार्ट होगा स्पेसिफिकेशन, ठीक है। उसके ज़्यादा आप ले सकते हैं बट उससे कम नहीं ले सकते, वहाँ से आपका स्टार्ट होना चाहिए, SSG होना चाहिए मिनिमम आपका, ठीक है। या फिर प्रोसेसर आप AMD ले सकते हैं, इंटेल कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि AMD का आप Ryzen 3 ले सकते हैं, Ryzen 5 ले सकते हैं, Ryzen 7 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। इंटेल का आप i3 ले सकते हैं, i5 ले सकते हैं, i7 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, बट डिपेंड करता है, ठीक है। Ryzen में तो उतना डिपेंड नहीं करता है, बट इंटेल में डिपेंड करता है कि आपका जनरेशन कौन सा ले रहे हैं, ठीक है। जनरेशन 10th या 11th ही लेना, समझ में, 10th या 11th ही जनरेशन लेना, कोई भी प्रोसेसर ले रहे हो 10th या 11th। मैं हार्डली यहाँ पे रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप i3 जो है आप कोशिश करना कि ना लेने का, ठीक है। i3 लेने की कोशिश नहीं करना, और Ryzen, आपको Ryzen 3 लेने की कोशिश मत करना। आप रिकमेंड करना Ryzen 5, Ryzen 7, i5, i7, समझ में। तो ये सब रिकमेंड करना, और ये हमारा हो गया डिटेल। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा लैपटॉप, हमारे पास कौन कौन से लैपटॉप है। मैं यहाँ पर चार लैपटॉप लेकर रखा हूँ, ठीक है। ब्रांड पे हम नहीं जाएंगे, ब्रांड पे नहीं जाएंगे, हम मॉडल के बारे में बात करेंगे, क्या क्या स्पेसिफिकेशन, क्या क्या प्रोसेसर, कौन कौन से। देखिए सबसे पहले मैं अपना लैपटॉप दिखाता हूँ। तो ये हमारा, ये मेरा लैपटॉप है, ठीक है, लेनोवो का है। इसका हम मॉडल के बारे में बात करें तो 1145 है। इसमें आपको डॉल्बी ऑडियो मिल जाता है, फिर Ryzen 5 प्रोसेसर है आपको, रेडियन का, ठीक है, रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड, इसमें ग्राफिक कार्ड भी मिल जाता है, ठीक है। नॉर्मल एंड में भी आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाता है, इसमें 2.5 GB ग्राफिक कार्ड मुझे दिया गया है। देखिए इसमें क्या है, मैं एडिटिंग जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ, जो भी एडिटिंग करता हूँ, जितना भी आप एडिटिंग देखते हैं वो सभी एडिटिंग इसी में मैं करता हूँ, ठीक है। सब कुछ एडिटिंग अच्छा हो जाता है। नॉर्मल अगर मैं बात करूँ तो 20 मिनट्स का वीडियो जो है आपको, अगर मैं 30 FPS पे रखता हूँ तो 5 मिनट्स में आपको रेंडर हो जाता है। 60 FPS में अगर रखता हूँ तो 20 मिनट्स के करीब में लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा है। बट इसका एक चीज़ है, Ryzen किसी भी आप लैपटॉप लेते हैं, कोई भी लैपटॉप लेते हैं, उसमें एक ड्रॉबैक है कि आप अगर एडिटिंग कर रहे हैं, प्रोसेसिंग कर रहे हैं, उस टाइम अगर आपको आपका लैपटॉप चार्जिंग में नहीं लगा हुआ है तो आपको जो प्रोसेसिंग स्पीड होता है वो आधा हो जाता है, ठीक है, हाफ हो जाता है। इसीलिए कभी भी Ryzen का रखना अपने पास लैपटॉप, तो कोशिश करना कि जब आप प्रोसेसिंग कर रहे हो उस टाइम चार्जिंग में होना चाहिए, समझ में। और बाकी जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसको आपको पता है बैटरी लाइफ क्या होता है, बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होता है। नॉर्मल आप लेंगे 2 से 4 घंटा चलेगा, ठीक है, 2 से 4 घंटा मिनिमम चलेगा, मैंने आप 4 से 4 घंटा मान सकते हैं। आप गेमिंग लैपटॉप लीजिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा कम होता है। मेन डिफेक्ट जो होता है गेमिंग लैपटॉप का, यही होता है मेन ड्रॉबैक, कि उसका गेम बैटरी लाइफ बहुत ज़्यादा कम होता है, 1 to 2 hours ओनली, ठीक है। वो भी अगर फिर हाई एंड गेमिंग बहुत ज़्यादा करने लगेंगे तो वो भी कम, उससे कम भी चल सकता है, समझ में। तो इन बातों का ध्यान देना कि अगर आप गेमिंग लैपटॉप ले रहे हो तो बैटरी लाइफ थोड़ा कम रह सकता है। ये ऑब्वियस चीज़ है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें चलती है ना, गेमिंग लैपटॉप का खरीदते हैं तो उसमें बहुत कुछ होता है, तो इसलिए होता है। तो ये हमारा, ये मेरा लैपटॉप है लेनोवो का S135, ठीक है। इसमें आपको Ryzen 5 मिल जाता है, इसमें बहुत कुछ मैं कर लेता हूँ, वैलोरेंट भी खेल लेता हूँ। गेमिंग लैपटॉप बात करूँ तो हाल में बहुत सारे मैंने गेम खेले हैं, वैलोरेंट खेले हैं, साइबर पंक के सब नहीं खेला है मैंने अभी तक, ठीक है। तो वैलोरेंट यहाँ पे खेला है, एकदम स्मूथली चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। असफेल्ट मैंने खेला है, COD मैंने खेला है, तो कोई दिक्कत नहीं होता, और एडिटिंग भी होता है, प्रोग्रामिंग भी, तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप इसको नॉर्मल एंड के लिए, आप गेमिंग के लिए ले सकते हैं, नॉर्मल कभी कभी गेमिंग हो गया तो ये भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको बेस्ट जो है, आपको हमारा जो गेमिंग लैपटॉप है सबसे बेस्ट, वो मैं आपको सबसे लास्ट में दिखाऊँ, समझ में, सबसे लास्ट में। ये हमारा HP का, ठीक है, मॉडल तो मुझे पता नहीं, मेरे फ्रेंड का है, मॉडल मैं नहीं बता पाऊंगा। बट इसका प्रोसेसर के बारे में बात कीजिएगा तो इंटेल का i3 कोर i3 प्रोसेसर है, समझ में, कोर i3 7th जनरेशन प्रोसेसर है। ये आपको HP का है। इसमें आपको ड्रॉबैक ये है, ये एक SSD लैपटॉप है, ठीक है। मैंने बोला SSD लेने के लिए, ये आपको जो है आपको HDD लैपटॉप है, समझ में। तो HDD लैपटॉप है तो इस कारण से यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि जब वो खोलता है, ठीक है, लैपटॉप, तो लैपटॉप बहुत ज़्यादा देर में खुलता है, समझ में, मतलब 2-3 मिनट आराम से लग जाता है। और वहीं आप SSD वाला लैपटॉप खोलिएगा तो मिनिमम मैक्सिमम 30 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है, उसमें आराम से खुल जाएगा। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। और इसमें वैलोरेंट खेलने का हमने कोशिश किया, बहुत ज़्यादा लैग करता है, समझ में, आप स्टार्ट भी नहीं हो पाता, मतलब गेम में आप, मतलब वैलोरेंट आपने खेला हुआ तो पता होगा कि जैसे ही हम बैटल ग्राउंड में आते हैं तो हमें आगे बढ़ना होता है, तो वहाँ पे जहाँ पे सब लोग रहते हैं प्लेयर्स, वहीं पर रह जाएगा, आप मर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलेगा, समझ में, मतलब FPS बहुत ज़्यादा लैग करता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगा, इसमें आप गेमिंग एकदम नहीं कर पाएंगे, ठीक है, स्ट्रांगली मैं यहाँ पे बोलूँगा कि गेमिंग यहाँ पे आप एकदम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये इसको किस लिए रिकमेंड कर सकते हैं आप i3 7 जनरेशन को, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं प्रोग्रामिंग, नॉर्मल प्रोग्रामिंग या फिर नॉर्मल मूवी वूवी देखने के लिए, समझ में। तो सिर्फ ये प्रोग्रामिंग के लिए हो गया, आपको एडिटिंग भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, एडिटिंग के लिए भी अच्छा लैपटॉप चाहिए, समझ में। तो ये आपको हो गया i3 7th जनरेशन HP का। हमारे पास है i5 भी है हमारे पास HP का, सेम जो आपने देखा, सेम सब कुछ, मॉडल वॉडल सब कुछ सेम है, देखने में भी सब कुछ सेम है, बट इसका जो प्रोसेसर है वो आपको, ये आपको है i5 का, ठीक है,
i5 का प्रोसेसर है, देख लिया i5 का प्रोसेसर है, और ये आपको ब्लैक कलर में है। और इसका देखिए, मैं कोई कोई ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपको i5 का प्रोसेसर है जो कि है आपको शायद 8th जनरेशन का ये लैपटॉप है, मेरे फ्रेंड का, इसलिए मुझे पता नहीं है, 8th जनरेशन का लैपटॉप है। और इसमें आपको गेमिंग चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा लैग करता है, एकदम दिक्कत होने की बात नहीं है, थोड़ा मोड़ा लैग करता है, ठीक है, थोड़ा मोड़ा लैग करता है, एडिटिंग हो जाएगा आपको, नॉर्मल डे गेमिंग हो जाएगा, प्रोग्रामिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप आई में बढ़ना चाहते हैं तो i7 अच्छा है, i5 अच्छा है, ठीक है, i5 अच्छा है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं बेस्ट की ओर, जो कि हमारा है गेमिंग लैपटॉप, जो कि हमारे पास है हमारे फ्रेंड के पास, और ये हमारा है MSI का, इसी के बारे में मैंने रिकमेंड किया था, MSI का जी लियोपार्ड, ठीक है, G65 लियोपार्ड, ठीक है। तो ये आपको हम MSI का लैपटॉप, और इसमें आपको i7 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब हाई एंड प्रोसेसर है, और बहुत थोड़ा एक हैवी टाइप का है, ठीक है। और इसका जो आपको बैटरी लाइफ है वो अगर आप गेमिंग करते हैं हाई एंड तो 2 आवर्स ऑलमोस्ट चल जाता है, ठीक है, 2 आवर्स चल जाता है। इसमें आपको बैकलाइट भी बहुत अच्छा बैकलाइट है, ठीक है, वो सब मैं इसमें तो नहीं दिखा पाऊंगा, बट इसमें बैकलाइट ये जो है आपको ये बैकलाइट बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा बैकलाइट है, आपको लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है, स्ट्रांग बॉडी है इसका, बहुत अच्छा दिखने में मिलेगा, हैंडी बहुत अच्छा है, ठीक है, ये हैंडी बहुत अच्छा है, दिखने में बहुत अच्छा। ये जो लाइट, ये जो आप देख रहे हैं आप MSI का लोगो, ड्रैगन या लियोपार्ड जो भी कहिएगा आप, ड्रैगन ही लग रहा है ये, आपको इसमें लाइट जलता है, ठीक है, बहुत अच्छा लुक आता है। और देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गेमिंग लैपटॉप का जो है, आप गेमिंग लैपटॉप लीजिएगा सब में लगभग ये जो है आपको ये जो देखने में मिलेगा ये बहुत अच्छा, मतलब जो लुक गेमिंग लैपटॉप का जो लुक एनहांस करता है वो यही एनहांस करता है। इसमें फ़ैन है, ठीक है, इसमें देखिए फ़ैन है, यहाँ से आपको इनलेट होता है और पीछे से आउटलेट होता है, और इस पीछे से यहाँ से भी आउटलेट होता है, समझ में। तो इसमें आप क्या होता है कि गेमिंग जब खेलता है, गेमिंग मेरा फ्रेंड जब खेलता है या फिर मैं भी खेलता हूँ कभी कभी इसके लैपटॉप पे, तो हीट हो गया, ठीक है, हीट हो गया तो उसके पास फ़ैन चालू कर दीजिए, फ़ैन चालू करने पे 10 से 15 मिनट में एकदम कूल कर देगा, ठीक है, एकदम कूल कर देगा, कोई दिक्कत नहीं होता। इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बट एक ही यहाँ पे ड्रॉबैक है जो कि है बैटरी लाइफ का, बाकी सब कुछ सही है, ये आपको 1 लाख के करीब में आता है, समझ में। तो गेमिंग लैपटॉप के लिए आप इसको रिकमेंड कर सकते हैं, बाकी सारे और भी मैंने ब्रांच बता दिए हैं गेमिंग के लिए, मॉडल बता दिए हैं, तो उसके लिए आप उसको रिकमेंड कर सकते हैं। गेमिंग लैपटॉप हमारे पास अभी सिर्फ यही है, बाकी सारे के पास नॉर्मल गेमिंग नॉर्मल लैपटॉप से। तो आई होप इतना डिटेल वीडियो देखने के बाद आपको डाउट क्लियर हो गया कौन सा लैपटॉप लेना चाहिए, और अगर इसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। सबसे पहली बात, नॉर्मल आप लैपटॉप ले रहे हैं वो सब जैसे स्पेसिफिकेशन मैंने बताया, SSD, SSD, प्रोसेसर, ब्रांड, वो सब का ध्यान देना, और उसके बाद आप लैपटॉप ले लेना, ठीक है। लैपटॉप लेने में ये नहीं डिपेंड करता है कि हम कौन सा मॉडल ले रहे हैं, ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसेसर ले रहे हैं, कौन सा स्पेसिफिकेशन के साथ ले रहे हैं, हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, समझ में। इसीलिए मेनली वही होना चाहिए, क्योंकि PC आप देखते हैं तो PC में जो नॉर्मल PC जो आता है हमें वो, और एक मॉडिफाइड PC जो होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। जो नॉर्मल PC होता है वो जो हमें मिलता है वो सही होता है, वही होता है, ठीक है। जो हम मॉडिफाइड PC होता है वो सबसे बेस्ट होता है, समझ में। वो आप जितना भी चाहते हैं उतना मॉडिफाई करवा सकते हैं। तो उसमें क्या ध्यान दिया जाता है, उसमें ध्यान दिया जाता है मॉडिफिकेशन स्पेसिफिकेशन। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि कोई भी आप रिकमेंडेशन लो तो स्पेसिफिकेशन पर ध्यान दो, ठीक है। तो ये सब स्पेसिफिकेशन था गेमिंग लैपटॉप का, मैंने बता दिया, नॉर्मल लैपटॉप का बता दिया। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, फाइनली जाइए आप अपना लैपटॉप लीजिए और अपना प्रोग्रामिंग गेमिंग वगैरह जो कुछ है अब स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सो नो वेट, गो ऑन, ठीक है। बस इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।